जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है आरबीएस सच की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं अंशु परचेडिया और आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। ग्वालियर सेंट्रल जेल में एडीजी ने किया निरीक्षण, सरकारी जमीन बेचने वालों पर हुई एफआईआर। मुरार के काशीपुरा त्यागी नगर में पानी पर दबंगों का कब्जा, प्रशासन ने मूंद रखी है आंखें। नगर निगम समाज सेवियों के साथ मिलकर पुरानी बावड़ियों की कर रही है सफाई, बुनकर हो रहे हैं परेशान, बिचौलियों उठा रहे हैं फायदा। अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर की सेंट्रल जेल में एडीजी ने किया निरीक्षण। कुछ रोज पहले बावड़ापुर स्थित सेंट्रल जेल की अनियमितताओं को लेकर खबरें बाहर आई थी, उसी को लेकर जांच की गई। इस बारे में स्वयं एडीजी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। बैठो भाई, आज पानी तो गिरा लेकिन फिर भी मस्त बरकरार। कल रात में बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा, कल से अच्छा कर रहा है। अभी तो घर मानसून की शुरुआत ही आएगा, अगस्त 15 सितंबर। नहीं चालू, ये बंद है साहब, कुछ टेंडर बंद है और उसके लिए अपन बनवा भी रहे हैं और उसके लिए आपके प्रस्ताव और 10-12 जो है बंद क्यों है उनकी एमसी। हाँ, एमसी पे ही भेजा, हमने ख्याल भेज दिया हूँ साहब, तो वहाँ से सुप्रीम के लिए पैसा जो खर्चा होना मेरा जो आगमन है वो तो 2 घंटाओं को लेकर के हुआ, जो 12 जुलाई को हुई थी। एक तो दूसरे की जो गाड़ी थी जी, उसमें एक बोरा जब्त किया गया था ना, जिसमें बहुत सारी सामग्री थी। और उसी दिन फिर जो शासकीय जेल एम्बुलेंस थी उसमें से भी कुछ सामग्री मिली। देखिए, आकस्मिक निरीक्षण हम लोग करते रहते हैं जिससे कि जेल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको जांचा परखा जा सके। इसके अलावा विगत दिनों यानी 12 जुलाई को यहाँ 2 घटनाएं हुई थी जिसमें खाद्य सामग्री जिसके ऊपर जेल मुख्यालय के द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है कि बाहर से कोई खाद्य सामग्री बंदियों को नहीं दी जाएगी, जो कुछ मिलेगा वो जेल के अंदर से मिलेगी। उसके बावजूद भी एक भूसे की गाड़ी में से एक बोरा मिला जिसमें काफ़ी खाद्य सामग्री थी और एक शासकीय जो एम्बुलेंस थी जेल डिपार्टमेंट की उसमें भी कुछ सामग्री मिली। तो ये दोनों घटनाओं की भी जांच करना मेरा एक मकसद था, जिसके लिए मैंने यहाँ के जेल अधीक्षक और जो जेल उप अधीक्षक हैं उन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं कि ये घटनाएँ किन परिस्थितियों में घटित हुई और इसमें कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो इसकी भी जाँच की जा रही है। एम्बुलेंस में जो खाद्य सामग्री जब्त हुई थी
उसमें दो कर्मचारी और एक ड्राइवर था, तीनों को अभी निलंबित किया गया है क्योंकि उन तीनों के द्वारा जानकारी छुपाई गई थी। देखिए आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल भोपाल में जो सेंट्रल जेल है उसमें सिमी के जो विचाराधीन बंदी थे वे जेल ब्रेक करके फरार हो गए थे, जो बाद में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। जब उस घटना की जांच किया तो ये पाया गया था कि भागने में जो सामग्री का इस्तेमाल हुआ था वह सामग्री उनके पास मुलाकात के दौरान ही पहुंची थी, क्योंकि मुलाकात के दौरान कई बार काफ़ी लापरवाही बरती जाती है, कुछ मिलीभगत से भी सामग्री जाती है, इससे भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तो जेलों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बाहरी जो सामग्री है उसको पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया, इसके लिए बाकायदा मुख्यालय से एक परिपत्र जारी किया गया। उसके बावजूद भी ये जो सामग्री का जाना या पाया जाना, जब्त किया जाना, ये एक काफ़ी गंभीर और चिंता का विषय है, उसी की जांच पड़ताल मेरे द्वारा आज की जा रही है। ग्वालियर के कालीन बनाने वाले कारीगर शासन की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे। गरीब लोगों को 25,000 रुपए में सरकारी जमीन को बेचने वालों पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कलेक्टर राहुल जैन के आदेश पर फूटी कॉलोनी सिरौल में सरकारी जमीन से जब कब्जा किए लोगों को हटाया गया तो उन्होंने अपने कागजों के तौर पर उन्हें भूमाफियाओं द्वारा की गई फर्जी नोटरी दिखाई। करीब 95,00,000 रुपए गरीब लोगों को लेकर सरकारी जमीन बेचने वालों पर अब FIR दर्ज हो गई है। कल इस बात यह भी बात संज्ञान में आया कि नजूल जो सरकारी जमीन है उस जमीन को कुछ लोगों ने गरीबों को गुमराह करते हुए बेच दिया था और उसमें कुछ मकान बन गए थे, कुछ मकान बन रहे थे। चूँकि उसमें गरीबों को गुमराह किया गया था और कुछ ऐसे तत्व जो इस तरह के खाली ज़मीनों को में अवैध कॉलोनियाँ बसाकर फ़ायदा उठा लेते हैं, उनको टास्क में लेने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए तत्काल 2 FIR रजिस्टर किए गए हैं और जो भी इसमें आरोपी हैं उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। शहर की पुरानी सूखी बावड़ियों को खोजकर उन्हें साफ कराया जा रहा है। नगर निगम यह काम शहर के समाज सेवियों को साफ लेकर अंजाम दे रही है। त्यागी नगर बली बाबा की पुलिया के पास स्थित बोरिंग पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ सुंदर नगर बोरिंग से भी एक तरफ का पानी रोक दिया गया है। इससे बीच के हिस्से में रहने वाले लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। उनकी ना ही तो क्षेत्रीय पार्षद धर्मेंद्र राणा सुन रहे हैं, ना ही कंटोनमेंट के पार्षद अजमेर सिंह राणा। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बीच का एरिया है ये
आधा कंटोनमेंट क्षेत्र में आता है और आधा नगर निगम में। इसी के कारण से यहाँ के रहवासी खामियाजा भुगत रहे हैं और उनको शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, मूलभूत सुविधाएं भी उनको नहीं मिल पा रही। क्षेत्र के लोगों ने जब पीएचई के पांडे जी, जो कि वहां के लोकल अधिकारी हैं, उनसे और क्षेत्रीय अधिकारी एपीएस भदौरिया से भी शिकायत की, पर फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल पाया है।
ये हम तीसरी पीढ़ी है। चौथी में गिनती है कौन ये? कौन? औलाद तुम और दो बाप, बाप बाबा और वो इसे घोषा तो नहीं हो भैया इस बार टाइम पे छोटे से आते मुसलमानी अरब में लिखा है तस्वीरों में खिंचा हुआ सब बोल क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्वार बोल क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्वारका प्रसाद धर्मा है। इस बावड़ी का क्या इतिहास है और कितने साल पुरानी है? ये बावड़ी 400 साल पुरानी है और इसमें 10-10 हाथ पावर की 3 मोटर चलती रहती थी। शराब फैक्ट्री को और अन्य सबको पानी अपन देते थे, कभी भी 1 इंची पानी कम नहीं होता था। उपनगर मुरार के त्यागी नगर बली बाबा की पुलिया के पास रहने वाले लोग पीने के पानी को भी तरस रहे हैं। पीएचई अधिकारी भी आंखें मूंद कर बैठे हैं। स्टेट टाइम के पुरानी बावड़ियों कुओं को की सफाई की जा रही है, कारण साफ है, मानसून जिस तरह से रूठा हुआ है उसे देखते हुए नगर निगम चिंतित है। अरे यार काम करना तो लगवा लेंगे यार, मंडी को आना मेरी 5 रुपए 213 रही बच्चा 213 रही बच्चा बच्चा तीनों बंदे बच्चे कर लेना।
माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री के द्वारा वर्ष 2011-12 में इसका घोषणा की गई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 21 करोड़ 76 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई थी। उस योजना के प्रथम चरण में ग्वालियर में 160 लूम स्थापित किए जा रहे हैं और इसमें 500 शिल्पियों को, बुनकरों को यहाँ पर बैठाया जाएगा, उनसे कार्य कराया जाएगा और इसका लगभग 80% प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है जो PWD PIU के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसमें ग्वालियर और चंबल संभाग के जो बुनकर शिल्पी हैं इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ पे डिस्प्ले सेंटर भी होगा, डाई हाउस होगा और इनके डिज़ाइन सेंटर, नए नए डिज़ाइन डेवलप किए जाएंगे और मार्केटिंग के लिए जितने भी शासन स्तर से या विभाग के स्तर से प्रयास हैं वो किए जाएंगे और ग्वालियर और चंबल संभाग के लोगों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए जो पुराने पैटर्न हैं उन पर काम कर रहे हैं, हम नए पैटर्न, नए लूम लेके आएंगे, उन लूमों पर ग्वालियर में कार्य करेंगे जिससे उनका रोजगार निरंतर बढ़ेगा। शासन से हमको जिस जैसे जैसे राशि आवंटित होती जा रही है, प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने पे है और ये जैसे पूर्ण हो जाएगा और द्वितीय चरण के काम भी शुरुआत हो जाएगी और निरंतर यह बड़ी योजना चुकी होती है तो उसमें निश्चित है कि समय थोड़ा सा लगता ही है। बुनकर आएंगे जो उनके पास में अभी लूम नहीं है और गरीब हैं, उनके स्थान के अभाव हैं, वो वहाँ पर आके बैठेंगे और नई तकनीक पे काम करेंगे। आज यदि वो 500 रुपये कमाते हैं तो 700 रुपये कमाएंगे तो वो नए नवीन लूम होंगे उनके पास में, नई टेक्निक होगी और उसके हिसाब से जब वो काम करेंगे निश्चित तौर से उनके मार्केटिंग की व्यवस्था होगी तो वो लाभान्वित होंगे। प्रथम चरण में 500 शिल्पियों का चयन हो चुका है और उनके द्वारा जो 160 लूम स्थापित किए जा रहे हैं वो उस पर काम करेंगे। कब तक ये तैयारी? ये नवंबर 2017 में पूर्ण होने की संभावना है। फूटी कॉलोनी सिरोल में सरकारी जमीन के फर्जी तरीके से पट्टे पर बेचने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए FIR कराई है। 18-18 घंटे कालीन बनाने वाले कारीगर काम करते हैं और बिचौलिए उनका फायदा बीच में ही चट कर जाते हैं। शासन द्वारा लगाई जा रही क्लस्टर योजना, 18-18 घंटे कालीन बनाने वाले कारीगर काम करते हैं और बिचौलिए उनका फायदा बीच में ही चट कर जाते हैं। शासन द्वारा चलाई जा रही क्लस्टर योजना के द्वारा देश विदेश में बुनकरों, कालीन कारीगरों के हाथों बनी कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी लेकिन इसका कोई भी फायदा स्थानीय बुनकरों को नहीं मिल पा रहा है। सच्चाई खुली जाते ना, सच्चाई पानी की तरह चल जाए इसलिए दे रहे हैं। एक दूसरे से ही कहा जा रहा है कि भैया चाबी नहीं है, भैया चाबी नहीं है। नहीं, चाबियां कितने लोगों के पास? चाबियां हैं चार पांच लोगों पर। चार पांच लोगों के पास? एक चक्की वाले पर है, एक तोमर पर है, एक भदौरिया पर, एक सेंगर पर, एक इन पंडित जी पर। दोबारा बनवा 24 घंटे दोनों रात और इधर पानी नहीं आ रहा, हमारे कम से 100 घर परेशान है। आपकी लाइन में पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा कि बाल लगने के कारण पानी नहीं आया। बाल पानी आता था और दूसरी बात ये आम जनता सबका नल है, किसी का प्राइवेट नल बाल, बाल सरकारी लगाया गया है, प्राइवेट प्राइवेट विरोध नहीं किया उसका बाल लगा दिया। मैं दूसरे का नाम ले रहे इधर आओ, अपनी अपनी समस्या सॉल्व करो ना, सुना भैया बोल के बोल के कहा भैया हम तो बहुत ज्यादा पानी के लिए परेशान है और इधर वालों ने अपने अपने बाल लगा लिए हैं और हम लोगों को पानी बूंद भी नहीं जा रही है। आज 15-20 दिन हो चुके हैं, क्या करें हम लोग बताइए, कौन जाए? हमारे बच्चे दिन में मेहनत मजूरी करते हैं, रात के पानी भरेंगे।
आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी चैनल पर। आप देखते रहिए आरबीएस न्यूज सच की आवाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।